पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की किल्लत तेजी से बढ़ती आ रही है। ऐसे में पटियाला से सांसद परनीत कौर ने केंद्र से ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने और मदद करने की अपील की है। परनीत कौर ने पंजाब के लिए वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की भी अपील की है। तो लगातार पंजाब सरकार में मंत्री और सीएम कैप्टन भी केंद्र से यही अपील कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में अब ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में पंजाब के पटियाला से सांसद परनीत कौर ने एक बार फिर से ये अपील की है केंद्र से, ताकि ऑक्सीजन की खेप को बढ़ाया जा सके, क्योंकि पंजाब में ऑक्सीजन का जो संकट है लगातार अब बढ़ता जा रहा है। जितना सब पता है, बहुत ही औखा समा ये महामारी का चल रहा है, बहुत तेजी नाल फैल रही है। इस दे लई पंजाब गवर्नमेंट ने बार बार सीएम साहब ने दिल्ली गल कीती है, क्योंकि सारा जेड़ा काम है ऑक्सीजन का देना, टैंकर देना, दवाइयां देना, इंजेक्शन देने, ये सारे वैक्सीनेशन ये सेंटर दे हाथ दे विच है, सेंट्रलाइज किया हुआ है। सानू बहुत लोड़ हैगी है सब तो पहले ऑक्सीजन की। जेड़ा ऑक्सीजन सानू अलर्ट किया है 195 मैट्रिक टन लोड, सानू 300 मैट्रिक टन की हैगी है। ये 95 बुखारों तो किया है, और जेडे टैंकर की एलोकेशन दिती है 12 की मंगी सी, पहले 2 दिते हूँ 4 किते ने, और इन्हां नाल भी ये ट्रेन के उत्ते फिट नहीं हो सकते। इन्हां दे 5 या 6 दिन लगते ने आन नू और वापस जान नू, और इना विच जिहड़ा 195 दा सानू दित्ता इना ने एलोकेशन, इहदे विचों खाली 95 मैट्रिक टन असी उठा सकते हैं जिहड़े टैंकर साडे कोल हैगे ने, क्योंकि दूजे जिहड़े साडे कोल टैंकर ने वो पंजाब दे विच भी लोड़ है थां थां जान।